जब मंजिल आपके बेहद करीब होती है तो मंजिल तक पहुंचने की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। ऐसे वक्त में मंजिल तक पहुंचने का बेसब्री से इंतजार रहते हैं, पर उस इंतजार का भी एक अलग ही मजा होता है। कल हम लोग 3 दिन के कठिन ट्रैक के बाद उस जगह तक पहुंच गए थे जहां अपने आसपास एक नहीं बल्कि कई सारे ग्लेशियर्स थे, और वहां से रालम ग्लेशियर का स्टार्टिंग पॉइंट लगभग 8-10 किलोमीटर दूर था। 3 दिन तक लगातार चलने के बाद अब हम लोग रालम ग्लेशियर के काफ़ी करीब थे, तो माइंड में ये नहीं था कि रालम ग्लेशियर हम कैसे पहुंचेंगे। पावर बैंक डेड हो चुका था और फ़ोन पे कुछ 15-20% चार्ज था, तो अपना फ़ोन मैंने आगे रालम विलेज के शॉट्स के लिए बचा के रखा और रास्ते की वीडियोस साथियों के फ़ोन और कैमरे से शूट की। आज की तारीख थी 30 मई 2023 और आज रालम ग्लेशियर के ट्रैक का आखिरी दिन था। रात भर सुकून की नींद लेने के बाद सुबह के लगभग 8:30 बजे बाहर निकल के देखा तो बाहर का नज़ारा हैरान कर देने वाला था। मई के महीने में भी रालम वैली में स्नोफॉल हो रहा था और बर्फबारी के उस नज़ारे ने रालम ग्लेशियर के इस पूरे ट्रैक को और भी खूबसूरत बना दिया। कल रात हम लोग लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर मरछाली गांव में रुके हुए थे और आज हमको मरछाली से रालम ग्लेशियर जाना था। पिछले 6-7 दिनों से रालम वैली में काफ़ी ख़राब मौसम था और कल रात की बारिश के बाद यहां ठंड भी बढ़ चुकी थी। जैसे ही बाहर निकल के देखा तो हम लोगों ने पाया कुछ लोग जो मरछाली से 4-5 किलोमीटर नीचे रास्ते में रुके हुए थे, वो सारे लोग अपने जानवरों को लेकर रालम गाँव की ओर जा रहे थे। हम लोगों ने यहाँ आने का एकदम सही समय चुना था। भले ही मौसम इस बीच ख़राब था, पर यहाँ आकर हमको मानो एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। ये टाइम माइग्रेशन का था तो रालम गांव के सारे लोग गर्मियाँ आते ही निचले इलाकों से वापस रालम गांव की ओर जा रहे थे, और रास्ते भर हमको कई सारे लोग दिखाई दिए। इस बीच रालम वैली में बहुत चहल पहल थी और इस चहल पहल का हिस्सा हम लोग भी थे। कल शाम हम लोगों को मरछाली गांव के 2 लोकल लड़के मिले थे और वो लोग भी अपने साथ आज मरछाली से ग्लेशियर की ओर आ रहे थे। उनका और बाकी गांव वालों का कहना था कि अगर मौसम सही रहता तो हम लोग रालम ग्लेशियर के अंदर तक जा सकते थे, पर खराब मौसम और लगातार बर्फबारी और बारिश होने के कारण रालम ग्लेशियर को अंदर तक एक्सप्लोर कर पाना थोड़ा सा रिस्की था। हम लोगों को मौसम खुलने का इंतजार था, बादल हटने का इंतजार था, पर मौसम का मिजाज कुछ अलग ही था। कभी बादल आसमान को छोड़ने लगते, फिर थोड़ी देर बाद अचानक से पूरा ढक देते। शांत खड़ा मैं आसपास के नज़ारे निहार रहा था, तभी मेरी नज़र सामने खड़े एक पहाड़ पे पड़ी। मैंने देखा जहां अभी तक सिर्फ कोहरा लगा हुआ था, अभी वहां पर ऊंचे खड़े एक पहाड़ को साफ साफ देखा जा सकता था। उस पहाड़ का नज़ारा इतना मनमोहक था कि मैं उस पहाड़ का नाम जानने पर मजबूर हो गया। जो पहाड़ मुझे बेहद आकर्षक लगा, पता चला वो पहाड़ लगभग 5,100 मीटर ऊंचाई का हंसलिंग पर्वत था। ये नाम मैंने बचपन से सुना था यार, और मुनस्यारी से कई बार इस पहाड़ को देखा था, पर सामने से इसकी पहली झलक दिल छू जाने वाली थी। तो यार अभी हम लोग मरछाली विलेज से मरछाली गांव के एक भैया के साथ, भैया आपका नाम क्या हैप्पी भुप्पी तो पुप्पी भैया के साथ अभी हम यहाँ से रालम गांव के लिए निकल रहे हैं। और अगर मौसम की बात करूं तो धीरे धीरे इस साइड को देखिए गाइस, मौसम खुलना शुरू हुआ है। इनमें यार कल तक इतनी बर्फ नहीं थी जितनी आज देखने को मिल रही है यार। ये देखिए भाई, पूरे ढके हुए हैं भाई पूरे। और हमको जाना है अभी वहाँ कहीं यार, वो रालम विलेज है वहाँ कहीं, उधर हमको जाना है कहीं, तो फिर वहाँ से आगे ग्लेशियर के लिए। यहाँ रुके थे हम कल इस वाली हट में, वहीं अंदर कैंप लगाया था और वहीं खाना वाना बनाया। सुबह के लगभग 10:30 बजे मौसम के थोड़ा सा क्लियर होने के बाद हम लोगों ने अपनी कैंपसाइट के आसपास कुछ बढ़िया सी फोटोज क्लिक करी और मरछाली से रालम ग्लेशियर का ट्रैक शुरू किया। आज का प्लान मरछाली से रालम ग्लेशियर तक जाकर वापस मरछाली लौटने का था, तो हमने अपने भारी बैग्स कैंप में ही रख दिए और कुछ ज़रूरी सामान लेकर आगे को बढ़े। अगर मैप की मदद से बताऊं तो इस पॉइंट पे मरछाली गांव था और यहां से हमको रालम गांव होते हुए लगभग 8-10 किलोमीटर चलकर रालम ग्लेशियर के इस पॉइंट तक जाना था। रास्ता देखिए भाई, जाना है यहाँ से उस साइड, फिर कहाँ
ऊपर काटा हुआ है भाई रास्ता, क्योंकि यहाँ पे नीचे पे खाई सी आ गई थी। यहाँ पे भूस्खलन के कारण रास्ता यहाँ से हुआ करता था पहले, अब भाई ये लोग यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जाते जिगजैग लेके, फिर वहाँ से रास्ता, वरना नीचे से हुआ करता था। लेकिन फिर भी भाई दो लोग आ रहे, पता नहीं कैसे आ रहे यार। जा सकते हैं थोड़ा ही तो यार। ना ना ना, आदत है। वीडियो कैसे कर रहा है यार, क्या भैया कहे ही तुम कैसे चला। तो भाई अगर कोई बाहर से वीडियो देख रहे हो तो रास्ते वस्ते देख लो भाई, आलम ग्लेशियर टफ ट्रैक है यार, ऐसी बात नहीं है, टफ तो है, चलना भी है, और कहीं कहीं पे ऐसी सारी दिक्कतें भी देखने को मिलेंगी। और सबसे चैलेंजिंग जो इस ट्रैक में मुझे लगा वो ये है कि आते टाइम भी मेहनत है और वापस जाते टाइम भी मेहनत है। नहीं गजब। आज हम वहाँ से आए गाइस, देखिए जो सामने आपको हट्स दिख रही हैं वहीं रुके थे, वहाँ से आए इधर। इस कुत्ते के कारनामे देखो भाई, वो ये तो फील्डिंग कर रहा है यार जॉन्टी रूट से खतरनाक। अच्छा चाटू राम क्या कर रहे हो ये? ऊपर कहते ही ऊपर हो जा रहे हैं। यहाँ गए हो आप ऊपर? ये पहाड़ नहीं दिख रहा है? हाँ। ये पूरा ऐसा कर गया यहाँ तक, और एक कीर्तन है और वो वहाँ पूरा। रालम वैली एक नहीं बल्कि कई सारे ग्लेशियर्स का घर है। सिर्फ ग्लेशियर्स ही नहीं बल्कि इस वैली से दो पास निकलते हैं। अगर रालम वैली की लोकेशन की बात की जाए तो रालम वैली जोहार वैली और दारमा वैली के ठीक बीच में पड़ती है। रालम वैली से दो पास शुरू होते हैं जो एक्सट्रीम एडवेंचर पसंद करने वाले ट्रैकर्स को रालम वैली से जोहार वैली और रालम वैली से दारमा वैली पहुंचाते हैं। पहले से रालम घाटी के लोग दारमा वैली या जोहार वैली जाने के लिए जिन ट्रैक रूट से होकर जाते थे, आज उन्हीं ट्रैक रूट्स को पास बोला जाते हैं। पहला पास जो रालम वैली में पड़ते हैं उसका नाम है रालम धुरा पास, जो रालम वैली से दारमा वैली जाते हैं और ट्रैकर्स को मैक्सिमम 5400 मीटर के एल्टीट्यूड तक लेके जाते हैं। पहले से जो लोग रालम से दारमा वैली जाते थे वो इस ट्रैक को रालम पास कहा करते थे, और दारमा से रालम आने वाले लोग सेम पास को सीपू पास बोला करते थे, क्योंकि दारमा वैली से रालम वैली आने वाले लोग सीपू गाँव से होकर आया करते थे। दूसरा पास है ब्रिज गंगा पास, जो रालम वैली को जोहार वैली से जोड़ते हैं और ट्रैकर्स को हाईएस्ट 5000 मीटर तक लेके जाते हैं। जब मुझे इन दोनों पासेस का पता चला तो मैंने तुरंत ही मन बना लिया था कि वापस यहाँ आऊँगा और यहाँ से एक पास ट्रैक तो जरूर पूरा करूँगा, रालम धुरा पास। 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर चढ़ना पिछले एक साल से मेरा मकसद रहा है। खुद से ये कमिटमेंट की है कि एक न एक दिन 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई में जाने हैं।
अपनी वही कमिटमेंट पूरी करने मैं वापस इस जगह पे आऊंगा और रालम वैली से दारमा वैली की एडवेंचरस एक्सपेडिशन पे जाऊंगा। वहां से आए यार हम लोग, जो सफेद दिख रहे हैं वो हट्स बने हुए हैं, वहां से आए अपनी डेस्टिनेशन वो रालम गांव देखिए, और वहां से हमको आगे आगे जाना है कहीं वहां तक जहां से ग्लेशियर दिखाई दे। वो बर्फ की चट्टान है भाई वहां पे, देखिए भैया बता रहे हैं यार जो पहाड़ है ना, ये इस एरिया का बोले तो इस रालम ग्लेशियर के साइड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। नाम क्या था भैया इस पहाड़ का? सुटीला ना, सुटीला टॉप, ये वाला जो अभी कोहरे से ढका हुआ है यार, ये वाला सबसे ऊंचा टॉप यार। यहाँ से भैया ने बताया और हमने भी देखा, जो सामने का पहाड़ है उसमें एक ट्रेल सी बनी हुई है। भैया बता रहे हैं कि जानवरों के जाने का रास्ता है, और ये सामने वाली जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है तीखी वाली, इसका नाम है हंसलिंग। ये मुनस्यारी साइड से भी दिखाई देती है। यार मैं सुनते आया हूँ इस पहाड़ी का नाम, लेकिन मैं कंफ्यूज रहता था कि पहाड़ी कौन सी है। आज भैया ने बताया कि हंसलिंग का डांड है ये वाला जो सामने दिखाई दे रहे हैं। रालम गाँव में पहुँच चुके हैं, इतनी सुंदर जगह देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर गंदगी देखिए यार। यही चीज़ की बात कल वो बंगाली भैया भी कर रहे थे यार, यही चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ यार, जो ये खूबसूरती है ना, जो ये आसपास का पूरा माहौल है, इसको कोई भी चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकती यार। इतना खूबसूरत आसपास का एनवायरनमेंट है, लेकिन बावजूद उसके अगर ये कुछ देखने को मिले तो बिल्कुल सा बढ़िया नहीं लगता यार। अगर यहाँ पे आप सोचो यार, जैसा वहाँ पूरा हरा तप्पड़ है एकदम साफ क्लीन एकदम, अगर ये भी पूरा क्लीन होता तो क्या नज़ारा होता यार। ये मन मार देता है यार, कचड़ा जहाँ भी देखता हूँ मैं मन सा खराब हो जाते हैं। यार ये कुत्ता हड्डी खा रहे हैं और अपना पर्रू भाई यहाँ से आ नहीं पा रहा क्योंकि वो डरा रहा है भाई, छोड़ दी उसने यार, तेरे हाथ ही चले गया वो। ये है गाइस रालम विलेज। ये पूछते हैं यार इन्होंने ये क्यों कर रखा है, बारिश की डर से या बर्फ की डर से जो है ऊपर पे पूरे इतने छतों पे डाले हुए हैं, छत के ऊपर क्यों डाली होंगी ये? अच्छा ठीक, तिरपाल डाले हुए इन्होंने, ये तिरपाल उड़े ना उसकी सेफ्टी के लिए। देखिए सारे घरों के ऊपर पे ऐसे टहनियाँ और पत्तियाँ वगैरह हैं यार। भाई ये है खूबसूरत रालम विलेज, सारे घर एक साथ है, चिपके चिपके हैं, इसलिए एरिया ज़्यादा नहीं है, लेकिन घरों की संख्या काफ़ी यार होंगे यहाँ पे, कितने 25-30 तो होंगे यार जितना देख के लग रहा है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए पूरा गांव ऐसा लग रहा है जैसे टहनियाँ बिछी हुई है भाई, देखिए अलग देखा क्यों ऐसा यार। और जगह दारमा गया और काफ़ी जगहों पे गया, जैसे ओम पर्वत आदि कैलाश साइड, वहाँ पे ये नहीं डाले हुए थे उन्होंने, ऊपर पे लकड़ी के थे, कच्चे मकान थे, लेकिन ऊपर पे ये नहीं थे। और ये गाँव ऐसा है गाइस, अभी हम लोग एक ऐसे गाँव में हैं जहाँ लोग 4-5 महीना रुकते हैं और जैसी ठंडी आती हैं माइग्रेट कर जाते हैं, वापस से निचले इलाकों में चले जाते हैं। 3 दिन के लगातार ट्रैक के बाद फाइनली अब जाकर हम लोग रालम गांव में पहुंचे। लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई में बसा रालम गांव, जहां सर्दियों में पूरा घोस विलेज बन जाते हैं, आजकल उसी गाँव के हर आंगन में हर परिवार में चहल पहल का माहौल था। लगभग 40 से 45 परिवारों से मिलकर बने इस गांव में ज़्यादा ठंड के चलते ना तो गेहूं की फसल होती है और ना ही धान की पैदावार होती है। अपने खाने के लिए चावल और गेहूं यहां निचले इलाकों से लाए जाते हैं। अपने उत्तराखंड में अभी भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां कुछ लोगों का पहुंच पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वहां पे कुछ लोग न जाने कब से रहते आए हैं। ऐसे मुश्किल हालात होते हुए भी अभी तक लोगों ने अपना गाँव नहीं छोड़ा। भले ही रीजन कुछ भी हो, पर अभी भी लोग अपने गांव के संपर्क में हैं, हर 6 महीनों में गांव लौट आते हैं। दादा देखो भाई,
भीड़ों की, सारी भीड़ यही दिख रही है। ए लूंड, ये देखो भाई, वहाँ देखिए गाइस, वो हल्के हल्के छोटे से याक है, वो जंगली याक। कल जो आपको दिखाए थे वो पालतू वाले थे ना, नीचे जो होंगे। एक नहीं यार, यहाँ अनेकों ग्लेशियर है भाई। आसपास देखोगे तो हर जगह से पिघलते हुए ग्लेशियर ही आ रहे हैं नीचे यार। आज तक मैंने याक सिर्फ वीडियोज और फोटोज में ही देखे थे, पर यहाँ आने के बाद पहली बार जंगली याक को देखा। 3000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई होने के कारण हमको यहाँ पे वो सारे जानवर दिखाई दिए जो आज से पहले कभी नहीं देखे थे। याक हाई एल्टीट्यूड और बहुत ज़्यादा ठंड में भी आसानी से रह जाते हैं, जिस कारण याक हमेशा 3000 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। जैसे ही मैंने याक को देखा, मैंने अपना कैमरा उठाया और कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली, पर घर आके देखा तो वीडियोज़ नहीं दिखी, बस फ़ोटोज़ बची हुई थी। जो याक अभी आपको दिखाए वैसे वो उतने दूर है गाइस, देखिए बीच में रालमगाड़ है, उसके पीछे साइड है, मतलब उसके दूसरी तरफ। और अभी हमारा प्लान है जो सामने वो तप्पड़ दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाने का, क्योंकि वहाँ से रालम ग्लेशियर का क्लियर शॉट आएगा भाई। यहाँ से यानी रालम ग्लेशियर से, इस जगह से सीपू के लिए जो रास्ता है, सीपू विलेज आपने सुना होगा अगर मेरी वीडियो देखी है। दारमा वैली में गाँव पड़ता है सीपू विलेज, जो आपको ये बीच में गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ से जाते हैं भाई इसी गधेरे गधेरे होते हुए यहाँ से, इस पहाड़ के पीछे कई भैया बता रहे हैं, और हमको जाना है उधर। चाटू राम आजा। जो आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो पूरा रालम ग्लेशियर है सामने का, और ये पूरी रालम वैली। ये देखिए भाई, ये रालम वैली स्टार्ट होती है लिंगरानी से, जहाँ से हम डे टू में स्टे पहुँच के डे थ्री में रास्ते लगे थे, वहाँ से वैली शुरू होती है, और यहाँ तक पूरा ये रालम वैली यार। ग्लेशियर ना, हाँ, अच्छा ये धीरे धीरे एक यार भैया बात बता रहे ग्लोबल वार्मिंग की भाई। ये कह रहे हैं आज से बहुत टाइम पहले, बहुत साल पहले ये ग्लेशियर कहीं यहाँ तक हुआ करता था। जो बर्फ़ दिख रही है आपको ये सामने रालम ग्लेशियर की उधर, वो यहाँ तक हुई रहती थी, तो तब ग्लेशियर यहाँ हुआ करता था, ट्रैक ज़्यादा आगे तक नहीं होता था। लेकिन उसके बाद यहाँ हुआ, ऐसी सरकते सरकते आप देखिए भाई उतने ऊपर पहुंच चुका है ग्लेशियर, यानी मतलब नीचे की बर्फ़ गलनी शुरू हो गई है। ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अगर यही हाल रहा तो आने वाले टाइम पे ओम पर्वत का नामो निशान नहीं रहेगा, ओम पर्वत से ओम मिट जाएगा, बस खाली काला पहाड़ बचेगा यार, जैसा यहाँ हो रहा है भाई। ग्लेशियर पहले कहीं यहाँ तक हुआ करता था, अब बर्फ़ पिघल के वहाँ है ग्लेशियर। तो यार जहाँ तक हमने जाना है लगभग वहाँ तक पहुँच चुके हैं,
और बारिश आनी शुरू हो चुकी है यार। तो देखते हैं क्या होता है भाई, अगर तेज आई तो भीग सकते हैं पूरा। तो भाई फाइनली सामने देखिए यार, रालम ग्लेशियर। हल्के हल्के बादल हैं जिस कारण से ऊपर की चोटी दिखाई दे रही, लेकिन हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और जो नज़ारा दिखाई दिया है भाई रालम ग्लेशियर का, वाह यार कुछ बेहतरीन सी फोटोज लेंगे इस ग्लेशियर की। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, नीचे बुला रहे भैया तो वहां चलते हैं। चार दिनों से लगातार चलते हुए अब जाकर हम लोग रालम ग्लेशियर पहुंच पाए। इस वक्त अपने आसपास जितना भी एरिया था वो सब रालम ग्लेशियर रेंज का हिस्सा था और रालम नदी का स्रोत यानी मेन रालम ग्लेशियर इस जगह पे था। रालम ग्लेशियर में आगे चलकर कालाबलन ग्लेशियर नाम का एक और ग्लेशियर पड़ता, पर वहां जाना आजकल के टाइम में पॉसिबल नहीं था। जितना भी हम लोगों ने रालम ग्लेशियर को देखा वो अपने लिए काफी था यार। अगर आगे कालाबलन ग्लेशियर तक जा पाते तो रालम वैली के वो अनदेखे नज़ारे हम लोग देख पाते जो आज से पहले कभी नहीं देखे थे। यहाँ पहुँचते ही सांसें तेज थी पर मन में एक विराम था। अभी यहाँ पहुँचे 2 मिनट नहीं हुए थे और बारिश आनी शुरू हो गई। इस वक्त हम लोग लगभग 3,800 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पे थे और ऐसे में अगर बारिश में फंस जाते तो जाहिर सी बात थी मुश्किलें बढ़ जाती। अपने पास दो ऑप्शंस थे, या तो हम जल्दी सब कुछ सूट करके फटाफट नीचे लौट जाते या फिर सारी चिंताएं छोड़ बस यहीं कुछ देर खो जाते। बादल भी मानो गलत टाइम में गलत जगह बरस के अपनी परीक्षा ले रहे थे, पर हम भी कहाँ कम थे यार। अब चाहे जो हो जाए, मन बना लिया था कुछ देर यहीं रुक कर जाएंगे। मौसम की चिंता ना करते हुए मैंने फिर से अपना कैमरा निकाल लिया और आज के इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए कैद कर लिया। यहाँ आने के बाद एक बात बखूबी समझ में आई, चाहे हालात जो हो जाए जब मंजिल मिलती है तो मंजिल मिलने का मजा सबसे लाजवाब होता है। उस वक्त हमको लगता है कि अच्छा किया पीछे नहीं हटे। अगर पीछे हटना भी पड़ा तो वही पल सबसे ज़्यादा याद आते हैं जहाँ इंसान की हिम्मत का कठिन इम्तिहान होता है। ऐसी जगहों में आकर चाहे मन में कुछ भी बातें क्यों ना हो, इन वादियों के सामने सब कुछ फीका लगने लगता है। तो कुछ इस तरह हम लोग रालम ग्लेशियर पहुंचे और अपनी इस कठिन यात्रा के कुछ गोल्डन मोमेंट्स ग्लेशियर के पास बैठकर बिताने के बाद नीचे को वापस लौट गए। यार अगर आप लोगों ने ना रालम ग्लेशियर आगे को एक्सप्लोर करने हैं तो ये है रालम नदी। लिंगरानी से हम इसी नदी के पैरेलल चलते हुए आए, ये यहाँ से निकलती है ऐसे। ये पूरा ग्लेशियर रेंज ही है गाइस रालम ग्लेशियर रेंज, लेकिन यहाँ से पीछे भी आप जा सकते हो टाइम लेके आते हो यार। ये ऐसी जगह ना, अगर इस वैली में आपको पूरा घूमना है तो आप भाई 10 से 12 दिन 15 दिन लेके आओ यार। यहाँ घूमने के इतने सारे ट्रैक्स हैं, एक ट्रैक यहाँ से कहीं से दारमा वैली को निकलता है और यहाँ से जोहार वैली को भी ट्रैक निकलता है। राजरंबा ग्लेशियर यहाँ पे है, चुरंबा ग्लेशियर यहाँ पे है। तो रालम वैली ऐसी जगह है, अगर आपको यहाँ पे आना है तो पूरा टाइम निकाल के आओ गाइस। तो अप्रोक्स एक घंटा बारिश की परवाह ना करते हुए ग्लेशियर के नज़दीक रुकने के बाद अब हम लोग वापस मरछाली को लौट गए। अभी ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था यार, आज तो हमको सिर्फ मरछाली तक जाना था पर कल हमको उसी रास्ते से वापस लौटना था जहाँ से होकर हम यहाँ तक पहुँचे थे। जितना कठिन यहाँ पहुँचना था कुछ वैसा ही यहाँ से नीचे लौटना भी था। जाते वक्त हम लोग रालम गांव में नहीं रुके थे तो वापस लौटते हुए कुछ देर रालम गांव में रुक गए। रालम गांव से मरछाली को लौटते वक्त रास्ते में बारिश हो गई और मरछाली पहुँचते पहुँचते हम पूरे भीग चुके थे। भीगने के बाद ठंड इतनी लग रही थी कि बिना आग के काम नहीं बन पाता, पर अपने पे जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं थी। मरछाली गांव में आज सुबह के वक्त हमको भुप्पी भाई के पापा जी मिले थे और रात को मरछाली पहुंचने के बाद उन्होंने हमको आग जलाने के लिए लकड़ियां दी और रात का खाना भी खिलाया। कठिन ट्रैक करने के बाद बारिश में भीगने के बाद घर का खाना खाया, आनंद आ गया यार। अगले दिन मरछाली से वापस लौटते हुए हमने उनको कुछ पैसे देने चाहे तो उन्होंने पैसे पकड़ने से मना कर दिया। उनका कहना था अभी तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करने, आराम से घर को जाओ। अंकल जी का ये बिहेवियर दिल को छू गया यार
और जितने भी लोग हमको यहाँ पे मिले सभी ने हमको बस अच्छी मेमोरीज दी। तो कुछ इस तरह रालम वैली से कभी ना भुलाई जाने वाली कुछ यादें साथ लेकर हम लोग वापस अपने घरों को लौट गए। लौटने के दिन हमने देखा 15 से 20 लोग एक आदमी को डोली में बैठा कर नीचे को ले जा रहे थे, क्योंकि उस आदमी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। सुबह 11 बजे से चलकर रात के 9 बजे तक बस एक दिन में उन लोगों ने उस आदमी को रालम गांव से मुंस्यारी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। 40 से 45 किलोमीटर के इस ट्रैक को नीचे लौटते हुए गांव वालों ने बस एक दिन में कवर कर लिया था। ये सब देखकर लगा कि जहां हम लोग बीमार होते ही पास के हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा लेते हैं, वहीं रालम गांव के लोगों को अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो जाए तो उनको पहले 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, फिर कहीं जाकर वो लोग मुंस्यारी हॉस्पिटल पहुँच पाते हैं। उनकी ज़िंदगी कितने संघर्षों से भरी हुई है ये बात उनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। रालम वैली में एक्सप्लोर करने के लिए और भी कई सारे प्लेसेस थे जहां हम लोग जा नहीं पाए, पर कुछ जगहों को अधूरा छोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि फिर से वहां जाने की इच्छा हमेशा बनी रहे। ये तो बस रालम वैली के एक्सप्लोरेशन की शुरुआत थी गाइस। मैं फिर से यहां आऊंगा और जितने भी ग्लेशियर्स यहां पे हैं, जितने भी पासेज यहां से जाते हैं, हर एक को बारी बारी से एक्सप्लोर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को रालम ग्लेशियर की फाइनल वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पर्वतवासी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और इस वीडियो को जरूर से लाइक करना। मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलूंगा ऐसे ही किसी बढ़िया शानदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।